आज राहुल गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी जोड़ो यात्रा की बात करेंगे दोस्तों आपसे। जी हां, लेकिन आज एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसने आंखों में आंसू का सैलाब भर दिया। जी हां, आंसू का सैलाब इसलिए भी भर गया क्योंकि वो सैलाब हिंदुस्तान की जनता के दिलों से जुड़ा हुआ था। इसलिए भी जुड़ा हुआ था किसी संवेदनशील कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के या कांग्रेस के सपोर्टर ने ट्विटर पर एक ऐसा फोटो डाला और सवाल पूछा मोदी सरकार से। शायद इसका जवाब ना तो मीडिया के पास होगा ना किसी के पास होगा। अभिषेक मोर लिखते हैं कि तुमने बेटे की टी शर्ट की कीमत तो बता दी, लेकिन बाप राजीव गांधी के कपड़े, जूते और मोजों की कीमत का अंदाजा लगाना गोडसे की नस्लों के बस की बात नहीं है, अमूल्य है। और साथ में चीथड़े उड़े हुए उन कपड़ों को फोटो में डाल देते हैं और वो जूते जो अनायासी दिल को छू जाते हैं। ये कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दे दी देश की आजादी के बाद? वो लोग कौन थे जो उनकी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे? सवाल तो पूछने होंगे। बेटे की टी शर्ट और बाप की वो चीथड़े कपड़े और वो जूते जिनसे लाश की पहचान हुई थी राजीव गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बारे में कई वीडियो मिलते हैं। आज ये वीडियो एक साथ डालना चाहूंगा। देखिए इन वीडियोस को, देखिए जोश 75 साल के दिग्विजय सिंह का, देखिए उन लोगों का जोश जो कार्यकर्ता साथ चलते रहे।
जोड़ेंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। इनको देखिए, अगर आपको देश से प्यार है तो चलिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, चलिए भारत जोड़ते हैं। ये वीडियोस देख लीजिए राहुल गांधी के, कि किस तरह से उनको प्यार मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। बच्चियों से किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं इसमें, ये भी आपको देखने को मिलेगा। काश मैं कैमरा डायरेक्टर होता या निर्देशक होता तो इस जर्नी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना करके आपको डाल देता है। लेकिन ये पहल है राहुल गांधी की, वो अपने आप में अनोखी है। लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। राजा दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा वीडियो भी शेयर किया है जो राजा मूसेवाला की आवाज़ में और गाने में है, लेकिन यूट्यूब पर वो वीडियो हम डाल नहीं सकते। लेकिन बैकग्राउंड में मेन आवाज़ को हटा करके हम न्यूज़ की आवाज़ में उसको डाल देंगे, तो देख लीजिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा। कोई तारीफ नहीं करूँगा राहुल गांधी की, कोई बेटेज नहीं लेना चाहूँगा राहुल गांधी के बारे में, लेकिन जो सच्ची बात है वो आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों देख लीजिए ये राहुल गांधी के वीडियोस, इसमें आप एक ऐसे पथिक को भी देखेंगे जो खड़ा था सड़क पर, जिसके पैर छूते हैं दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भावुक हो जाएं। देखिएगा प्यार गांधी परिवार के लिए, देखते रहिएगा और देखते देखते सोचते रहिएगा उन कुर्बानियों के बारे में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। शायद आज उन कुर्बानियों का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, महंगाई का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं हैं और हमें पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें हमारे बीच का एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री की तरह, आम आदमी की तरह व्यवहार करे, जिसको जरूरत पता है, जो पैदल चलना जानता है सड़कों पर, जिसको राजकुमार कहा जाता है, जिसको बदनाम किया जाता है, जिसके हौसले तोड़ने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस में, गोवा कांग्रेस में फूट डाल दी जाती है। लेकिन जो चोर थे वो चले जाते हैं। लेकिन पवन खेड़ा का एक बयान भी आता है, रागिनी नायक का एक बयान आता है, ये आप इससे कितने मुखातिब हैं कितने नहीं, लेकिन असली बात तो राहुल गांधी के जादू की है। जो राहुल गांधी का जादू भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जी हाँ, और पूरा हिंदुस्तान। आने वाले दिनों में लोगों ने अनुमान लगाया है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बढ़ने वाली है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ करके राहुल गांधी के इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। देखते रहिए, ये तो आदत है हिंदुस्तान की, क्योंकि जब हिंदुस्तान की आदत का रुख बदलता है तो बड़े बड़े सत्ताधीश अपने आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।